नाम गेवाड़ कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव का प्रथम पुरस्कार है स्कूटी, द्वितीय पुरस्कार है एलईडी टीवी, तृतीय पुरस्कार है फ्रिज, देखते हैं आप लॉटरी लगती नहीं लगती है। हेलो दगड़ियों, कैसे हो आप? बिल्कुल मेरा पहला, मैं चंपा फिर से आपके सामने आ गई। लगी है तेज धूप, मैं जा रही हूँ धूप में और जा रही हूँ मैं बैंक पैदल पैदल। मिलती हूँ आपको रास्ते में, अभी दिखाती हूँ आपको। अभी मैं पहुँचने वाली हूँ बैंक में, देखती हूँ एटीएम सही है कि नहीं है, क्योंकि रोज़ ख़राब ही रहता है, इसलिए देखती हूँ। और नहीं होगा तो उस ऐप से निकालूंगी, दिखाती हूँ आपको। अभी मैं जा रही हूँ एटीएम में, अंदर अभी निकालती हूँ पैसे, पैसे निकाल के आरडी जमा करती हूँ। ये मैं आना चाहिए 5,000। दोस्तों हमारे यहाँ कृषि मेला हो रहा है और उसमें कूपन कटता है, तो मैं कटा रही हूँ कूपन। ये आई है हमारी आंगनबाड़ी की टीचर कूपन कटाने, कूपन कटा रही है, मैंने भी कटा लिया कूपन। देखते हैं अब लॉटरी लगती नहीं लगती है। इनाम गेवाड़ कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव का प्रथम पुरस्कार है स्कूटी, द्वितीय पुरस्कार है एलईडी टीवी, तृतीय पुरस्कार है फ्रिज, चतुर्थ पुरस्कार है वॉशिंग मशीन, पंचम पुरस्कार है आटा चक्की, सप्तम पुरस्कार है मोबाइल फ़ोन, सप्तम है डिनर सेट, और इतने मिलेंगे, मोबाइल फ़ोन 5 है और डिनर सेट 10, और आठवां है इलेक्ट्रॉनिक कैटल वो 10 मिलेंगे, और नौवां है वाटर बोतल वो 20 मिलेंगे, और लास्ट है दसवां है दीवार घड़ी ये 50 मिलेंगे। और हमारी लॉटरी निकाली मैंने पर्ची और दे दिए अपने 100 रुपये, अब देखते हैं कितनी हमारी लगती है। चाची ने भी दिए, चाची ने और बड़ी चाची ने भी दिया, देखते हैं हमको क्या मिलता है, स्कूटी मिलता है कि फ्रिज मिलता है कि वॉशिंग मशीन मिलता है कि पता नहीं क्या मिलता है, देखते हैं हम। हमारे यहाँ मेला है 10, 11, 12 को, कृषि महोत्सव पहली बार हो रहा है चकुटिया में गेवाड़ घाटी में, देखेंगे हम और आपको भी दिखाएंगे। ये जैकेट पहना दिन में, आ जाओ घर, आओ यहाँ से गिरोगे, इधर से आओ, हाँ रास्ते से आओ। ये देखो ये घूमने के अलावा कुछ काम नहीं है इसका, बस जाते रहती इधर उधर से, अपने घर में नहीं रहती इनके। हेलो दोस्तों, शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं गोबर रखने आ गई हूँ, धूप भी जाने वाली है, अभी थोड़ा रही है, छाया आ गई हूँ नीचे और मैं गोबर रखने के लिए आ गई फिर से खरीद, देखती हूँ चक्कर रखती हूँ। नहीं भैंसी दिखाती हूँ आपको, ये आराम से बैठे हैं, कोई कोई ऐसे सर को हिला रहे हैं, ये धुआं लगा है और ये छाया चलेगी थोड़ा वहाँ 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 तक आ गई छाया, अब आएगी फिर धूप चली जाएगी, फिर देखती हूँ कितने चक्कर रखे जाते हैं, दिखाते रहती हूँ आपको। भरती हूँ गोबर यहाँ पर से, किस दिन से आए नहीं गोबर रखने के लिए, तो जितना हो गया ये भरती हूँ गोबर, गोबर रख के छाया जा चुकी है यहाँ से, ऊपर जाके देखती हूँ। जा रही हूँ घर को, आ चाची भी नहीं आई, अकेले अकेले बड़ा गंदा लग रहा है, जाती हूँ रखती हूँ, देखती हूँ कितने चक्कर रखे जाते हैं। और देखिए हमारी हरियाली, इन्होंने खुला रखा है तो तब जाके हरियाली हो रखी है, नहीं तो उपराड़ के खेतों में तो इस बार बिल्कुल नहीं हो रखा है, सिंचाई वाला नहीं है ना, यहाँ ऊपर को नीचे है सिंचाई वाला, ऊपर को नहीं है सिंचाई वाला, तो इस वजह से देखिए कितना सूखा, इस बार बिल्कुल भी गेहूं नहीं हो रखे हैं इन खेतों में, इन्होंने ये पाइप से खुला रखा है सारा। मैं जा रही हूँ ऊपर को, चाची मिलती है तो देखती हूँ उनके साथ रखती हूँ गोबर, नहीं मिलती है तो अकेले रखना पड़ेगा, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखो दोस्तों धूप जा चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है ना, लाल एकदम पहाड़ों पे लास्ट जा चुकी है धूप, मैं भी लाती हूँ लास्ट चक्कर और
फिर करती हूँ इस वीडियो का भी दिएन और गोबर का भी आंच रखने का दिएन, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और मुझे भी देखते रहिए। लास्ट चक्कर लाती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।